हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम दिल्ली सटे इस्माइलपुर के एरिया में पहुंचे। ये नवीन नगर एरिया पड़ता है और जस्ट इसकी थोड़ी दूर पर ही नवीन नगर चौकी पड़ती है। यहां पर बता दूं मैं आपको, एक बॉडी मिली है, एक युवक की बॉडी बताई जा रही है। देख सकते हैं वहां पर आपको फोरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार कब ये बॉडी मिली थी और कब इसकी सूचना देखी। पुलिस वहां पर नवीन नगर चौकी के यहां पर SHO भी पहुंचे हैं और नवीन नगर चौकी के यहां पर पुलिस इंचार्ज भी यहां पर मौके पहुंचे। यहां देखिए जांच पड़ताल जारी है और लोगों की यहां पर भीड़ देखिए। लोगों से जानने कुछ के, कब आप लोगों को कोई सूचना मिली थी, कब जानकारी मिली थी कि यहां पर कुछ मिला है? हम अगवान प्रोग्राम से आए हैं। अभी बच्चों जो बैट बॉल खेले थे उन्होंने बताया था बॉडी पड़ी है। अच्छा, बच्चे जो यहां पर क्रिकेट खेले थे उन्होंने बताया? हां, ऐसे बता रहे थे, यहां पे बॉल आ गई थी, उन्होंने बॉल लेने आए थे तो उन्होंने बॉडी देखी तो उन्होंने न्यूज वालों को फोन किया, फिर उन्होंने पुलिस वालों को बताया। अच्छा, तो मतलब क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है आप लोग को, क्या कितनी उम्र होगी? युवक को मार के फेंका गया था? 50 साल के आसपास है, मतलब एज है 50-55 साल की, ऐसी उम्र लग रही है। हाँ जी, 45-50 के हैं। आप लोगों ने बॉडी देखी है? नहीं, अभी बॉडी देखी नहीं, जैसे हमें पता चला है बोल रहे हैं 45-50 के हिसाब से है, एजड है। आप लोगों को पहले दिखी थी बॉडी? बॉडी दिखी किसको? वो दिखी थी जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते ना, वो लोग चले गए वहाँ पे, मतलब उन लोगों ने बताया। उन लोगों ने बताने के बाद यहाँ पे मीडिया आई थी, मीडिया को बताने, मीडिया ने पुलिस वालों को फोन किया तब यहाँ पे पुलिस वाले आए। अच्छा, कितने बजे का मामला, क्या लग रहा है बॉडी को देख के, क्या लग रहा है कितने दिनों की बॉडी होगी? ज्यादा इस्माइल से तो लग रहा है कि इस्माइल का मतलब समझ लो कि कल परसों का ही फेंका हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि इस्माइल आने का मतलब तुरंत डेथ होने के बाद तो इस्माइल आएगा नहीं, अब उसमें स्मेल आ रहा है, स्मेल का मतलब है कि वो पहले का फेंका हुआ है, अब कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब क्या लग रहा है, यही आसपास के इलाके की बॉडी, मतलब आप लोग जान पहचान? नहीं, हमारे आसपास के नहीं है, हमारे आसपास के होते तो अब तक पता चल चुका होता सबको, क्योंकि हम भी यहीं बगल में रहते हैं, अगर हमारे यहाँ आसपास के होते तो पता चल जाता। बॉडी को पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें स्मेल आ रहा है, बॉडी सूज गया है। अच्छा, अब सूजने के बाद है कि मतलब फेस कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, उसमें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बॉडी वगैरह में सारे में सूजन आ गया है, स्मेल आ रहा है, पहुंची है वहाँ पे, देखिए अभी वो बताएंगे, अभी से नहीं बता पाएंगे जांच के बाद कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये इलाका कौन सा पड़ता है? ये अगवानपुर क्षेत्र में आता है, अगवानपुर और इस्माइलपुर के बीच में, दीपावली नवीन नगर है, नवीन नगर, नवीन नगर पड़ता है एरिया, इस्माइलपुर में लगता है। अच्छा, इस्माइलपुर में नवीन नगर ही चौकी पड़ती है, ग्राउंड है, नवीन नगर ग्राउंड है, नवीन नगर चौकी के पास में नवीन नगर ग्राउंड है, बराबर में दीपावली कॉलोनी है, ये बंदा वहाँ का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। इसका कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ ऐसा मिला नहीं, प्रूफ नहीं मिला कि कहाँ का? बॉडी देखी नहीं हमने, तो बॉडी तो हमने देखी नहीं है, वहाँ पे इंचार्ज साहब पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी देखी नहीं है। वैसे यहाँ के आसपास का कोई होता तब तक बंदा आ जाता, क्योंकि पूरे इलाके में बात फैल चुकी है, बहुत दूर दूर से बंदे आए देख करके गए हैं, लेकिन ऐसी कोई पता नहीं चला, इसके परिजनों को कोई पता नहीं चला अभी तक। कितने बजे का ये मामला लग रहा है, कितने बजे आप लोग को ये बॉडी की सूचना ऐसा कुछ मिली होगी? अभी से शाम को फैला है। शाम को कितने बजे के करीब? अभी ये शाम को 5 बजे, पाँच साढ़े पाँच, छह साढ़े पाँच बजे, हाँ 5-5.30 बजे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे क्रिकेट, छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी बॉल गई, उन्होंने देखा, वो देख करके बच्चे शोर मचा के भाग गए डर के मारे, छोटे छोटे बच्चे थे। ये देख सकते हैं, वो एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी मैं, ये देखिए वो जंगल का एरिया पड़ता है और उस झाड़ियों में उसके युवक की बॉडी मिली है। बताया जा रहा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 50-55 साल उस युवक की बॉडी है, लगभग बताया जा रहा है जो कि 2-3 दिन पुरानी बॉडी है, किसी ने शायद मार के उसको फेंक दिया था युवक को। ये देखिए, सोचिए स्मेल यहाँ तक आ रही है। मैं आपको बता दूं, मौके पे यहाँ पर पल्ला के SHO भी यहीं पर मौके पे पहुंचे थे। सर, आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन कब मिली थी? हमारी 112 बकाल ये आई थी जब ये आए थे मौके पे। अच्छा, मतलब कितने बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन? ये 5:30 बजे, 5:30 बजे। क्या लग रहा है बॉडी को देख के, क्या लग रहा है? तो इंचार्ज साहब बताएंगे। अच्छा, खड़े इंचार्ज साहब वहाँ पर हैं अभी?
ये देख सकते हैं वहाँ पर नवीन नगर चौकी के इंचार्ज साहब पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया पड़ता है वो नवीन नगर चौकी का एरिया पड़ता है। और यहाँ पर देखिए फॉरेंसिक टीम और चारों तरफ आप देख सकते हैं पब्लिक है, और लोग गाड़ियां देखिए चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौके मौजूद है, फॉरेंसिक टीम है यहाँ पर शव को ले जाने के लिए। देखिए बॉडी भी यहाँ शव को ले जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी पहुंच चुकी है। एक बार हम वहां पर चल के, अच्छा वहां जाने दिया जा रहा है मतलब, क्योंकि अभी मना कर दिया गया था? मना कर रखा है अभी, आ रहे हैं 2 मिनट में, अभी आ रहे हैं। अच्छा अभी आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। हां अभी बस। फॉरेंसिक टीम वगैरह को कब इन्फॉर्मेशन दी गई थी? जब ही कर दी थी। अच्छा उसी पर सूचना मिलने पर जब ही कर दी थी। अच्छा ये देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही होंगी, और काफी अचंभे वाली बात है, क्योंकि सोचिए यहाँ पर ये गार्डन का एरिया पड़ता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस को। हाँ जी ये देख सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आदमी है वो 50 से 55 साल इसकी उम्र है, और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, एक तरह से कि ये गार्डन है और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसी करीबन वो बच्चे जब यहाँ पर बॉल गिर जाती है वहां पर, एक मिनट हटिए थोड़ा सा, फिर अंकल थोड़ा इधर उधर हो जाइए या तो फिर। आगे चलिए आप, मैं दिखा रही हूँ लाइट। ये देखिए वहां पर ये फॉरेंसिक टीम और नवीन नगर के इंचार्ज साहब यहाँ पर मौके मौजूद, तो ये देखिए शव को पूरा बांध लिया गया और लेके जाया जा रहा है। मैं आपको बहुत गंदी स्मेल है यार बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है वहां से, देख सकते हैं वहां पर इंचार्ज साहब भी मौके में। आपको एक पूरी डिटेल बता दूं तो ये जो एरिया पड़ता है वो बताया जा रहा है नवीन नगर थाना पड़ता है, यहाँ पर नवीन नगर चौकी पड़ती है, और ये जो एरिया है इस्माइलपुर, दिल्ली सटा हुआ इस्माइलपुर का एरिया है, और ये दीपावली कॉलोनी का ये बैक साइड जो बताया जा रहा है कि पीछे का एरिया पड़ता है, पड़ते नवीन नगर ही एरिया पड़ता है। और ये देखें यहाँ पर अभी एक बॉडी मिली है युवक की, जो कि बताया जा रहा है 50 से 55 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये गार्डन एरिया है पीछे का, दीपावली कॉलोनी का बैक साइड एक गार्डन है जहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, और वहीं पर सोचो उनको ये पता चलता है कि जब वो बच्चों की बॉल यहाँ पर आती है तो बच्चे वहां पर उसको उठाने के लिए जाता है, तभी उस बच्चे को दिखता है कि यहाँ पर एक युवक की बॉडी पड़ी हुई है, तभी वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मौके पहुंचकर पुलिस यहाँ पर देखिए जांच पड़ताल कर रही है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, और यहाँ पर पल्ला थाने के SHO भी मौके पर पहुंचे थे। ये देखिए हम आपको पास जाके नहीं दिखा सकते क्योंकि बॉडी को पूरा कवर कर लिया गया, उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है एक बार शव को उठाने के लिए। देखिए गाड़ी भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, एक बार हम इंचार्ज साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा सभी लोग वहीं पर हैं, फॉरेंसिक टीम वगैरह सब वहीं पर मौके पहुंची है। और ये देखिए पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची हुई है, लेकिन नजदीक बॉडी मत दिखाइएगा, बस ऊपर थोड़ा सा कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्मेल है। ये देखिए और हम लोगों से भी और जानने की कोशिश करेंगे एक बार कि आखिरकार यहाँ के लोग तो नहीं है या फिर यहाँ का ये युवक तो नहीं। अच्छा आप लोगों में से कोई जान पहचान का इनका कोई हो, आप लोगों को कब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी? नहीं। अच्छा आप लोग मतलब यहाँ के हैं कि कहीं और से बाहर के हैं? मैं यहाँ के नहीं, बाहर का। यहाँ के देखने के लिए आए हैं जी। क्या लग रहा है बॉडी को देख के, मतलब आपके जान पहचान का कोई ऐसा नहीं? ऐसा कोई भी नहीं? हाँ जी यहाँ का नहीं है। यहाँ के नहीं है ऐसे? तो अब तक कोई ना कोई आ ही जाता, यहाँ का अगर इधर आसपास का होता तो कोई ना कोई आ ही जाता। कि ये देख सकते हैं चारों तरफ पब्लिक है, और एक होता है पब्लिक को एक खौफ भी है। ये देखिए फॉरेंसिक टीम यहाँ से जाती नजर आ रही है, एक बार हम इंचार्ज साहब से बात करने को। सर कब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी? कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी 7:45। क्या लग रहा है बॉडी को देख कर, कितने मतलब उम्र है? मेल है, अबाउट नियर अबाउट 45 इयर्स। मतलब कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ मिला हो, कहाँ का रहने वाला युवक? नहीं अभी अनआइडेंटिफाइड है। अच्छा अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है इसकी? ये देख सकते हैं इंचार्ज साहब साफ तौर पर बोला अभी कोई इसका आइडेंटिटी वगैरह नहीं मिले कि कहाँ का रहने वाला युवक है। उम्र जो बताई जा रही है वो 45 साल की बताई जा रही है, 45 से 50 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और फॉरेंसिक टीम देखिए यहाँ से अब जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बॉडी को शव गाड़ी में रख लिया गया और उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। एक बार उधर दिखाने की कोशिश करूंगी मैं।
ये देखिए मौके पर मैं फिर से आपको ये लोकेशन बता दूं तो दिल्ली सटे हुए इस्माइलपुर का ये नवीन नगर एरिया पड़ता है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर सोचे एक युवक की बॉडी मिलती है 5:30 बजे के करीब मिलती है ये बॉडी। एक बार जितने भी दर्शक हमारे भी नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं तो 5:30 बजे के बाद वो बॉडी दिखती है और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर सोचे क्रिकेट खेलते हुए वहीं पर वो बच्चों की बॉल जो होती है वो यहाँ पर जा गिरती है और वो बच्चे जब बॉल लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर सोचिए बॉडी दिखती है। तभी वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, पुलिस मौके पहुंच कर जांच पड़ताल करती है। अभी युवक की कोई जानकारी नहीं कि युवक कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, युवक कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला, अभी कोई इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पुलिस बल मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं चिन्मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए।